हेलो डियर फ्रेंड्स, हैप्पी दिवाली। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जो कि है यवत में, यानी कि पुणे डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप दिवाली वेकेशन में वन डे घूमने के लिए कोई स्पॉट अगर ढूंढ रहे होंगे तो ये स्पॉट डेफिनेटली आपकी फैमिली के लिए बहुत बहुत अच्छा है। ओके, सो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, हमें बस ऐसे ही जब भी मन करता है हम यहाँ पे पक्का जाते हैं। आज जब हम गए थे तब हमारी ये फोर्थ या फिफ्थ विजिट थी महर रिट्रीट में। ओके, तो ये वीडियो आज का होने वाला है महर रिट्रीट के बारे में। ये है उनका ह्यूज ह्यूज एंट्रेंस, बहुत ज़्यादा मस्त है ये सब कुछ। आप ऐसे भी एनीवे किसी गेट टुगेदर फंक्शन के लिए या आपके कोई भी सेलिब्रेशंस के लिए भी यहाँ पे जा सकते हो। ओके, तो ये है उनका पार्किंग एरिया। पार्किंग काफ़ी बड़ी है, उससे आपको पता चल रहा होगा कि अंदर कितना बड़ा होगा महर रिट्रीट। ओके, ये रैंडम फोटो मैंने ली थी गूगल से। ये है उनका कैश काउंटर। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप कैश ही पे करो, ऑनलाइन पेमेंट की मेथड इनकी बहुत पथेटिक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, पेमेंट के बाद उनकी तरफ से मिल जाते हैं ये ऐसे रिस्ट बैंड्स। ओके, यहाँ का पैकेज कितना होगा, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या पे करना पड़ता है अंदर भी, वो सब आपको डिटेल में बताऊंगी मैं आपको इन मिडल ऑफ द वीडियो। पहले हम मिल लेते हमारी ये प्यारी सी चुटकुली से। अच्छा कर हाय। बच्चे इतने खुश होते हैं, वाह वाह। ओके, आते ही काम बनता है, ब्रेकफास्ट कर लो भाई। वाह, ब्रेकफास्ट और लंच का इनका मेनू महाराष्ट्रियन ही होता है। जब हम गए थे तब मेनू था महाराष्ट्रियन मिसल, झनझनीत नहीं होती, मतलब इतनी तीखी नहीं होती, झनझनीत यानी तीखी नहीं होती, ओके ओके होती है कि जो लोग नॉर्मल स्पाइसी नहीं खाते वो भी खा पाएंगे। ओके, रादर देन मिसल वहाँ पे अवेलेबल था उस दिन पोहा एंड सूजी का हलवा। ओके, ब्रेकफास्ट होते ही ब्रेकफास्ट डाइजेस्ट करने की तैयारी करते हुए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे। ओके, ये है बुलक कार्ट राइड। ये पैकेज में इंक्लूडिंग रहती है, इसके एक्स्ट्रा पे नहीं करने होते हैं। ओके, ट्रैक्टर राइड, बुलक कार्ट राइड, बोटिंग, सब इंक्लूडिंग है पैकेज में। बट ये साइकिलिंग के अलग से चार्जेस करने पड़ते हैं, 1 आवर के आई गेस 150 या कुछ तो है, मैंने इस बार पूछा नहीं, जब हम 2 साल पहले गए थे तब 150 ही पे करे थे हमने। टाइम फॉर लंच। ओके, एज आई टोल्ड यू, लंच में होता है महाराष्ट्रियन मेनू, इसलिए मैं सारे जो आइटम्स थे उनके नाम बोलूँगी मराठी में। ओके, मस्त लोणचं, पापड, ज्वारीची भाकरी, बाजरीची भाकरी, चपाती, जलेबी आणि ही आहे एकदम छान टेस्टी काळ्या मसाल्याची उंबराची भाजी, म्हणजे भजीची आमटी। मी स्वतः पहिल्यांदा खाल्ली, मी त्यांनाच नाव विचारलेलं, मैंने उनसे ही पूछा था तो मुझे इसका नाम पता चला। ओके, देन नेक्स्ट है पिठलं, भरलेल्या भेंडीची भाजी,
यानी भिंडी मसाला, आणि ही आहे मस्त लापशी, चावल दाल और मस्त ठंडा ठंडा मठ्ठा। ओके ओके, सो पैकेज डिटेल्स आपको बता देती हूँ। एडल्ट्स के जब हम गए थे तब के मैं पैकेज डिटेल्स बोल रही हूँ आपको। ओके तो जब हम गए थे तब 750 प्लस GST था एडल्ट्स के लिए, बच्चे 5 से 12 एज ग्रुप के बच्चों का था 500 रुपीज़ प्लस GST। एंड अगर आपके साथ ड्राइवर हैं तो उनके पूरे 750 पे करने की ज़रूरत नहीं है, उनके 400 या 500 रुपीज़ लेते हैं वो, अब मुझे कन्फर्म नहीं पता, लेकिन एक बार जब हम गए थे तब हमने इतने ही पे किए थे। ओके ओके, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये जस्ट 42 किलोमीटर है फ्रॉम पुणे, एंड ये है ऑन पुणे सोलापुर हाईवे। मैं इसका एग्जैक्ट मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो प्लीज़ वो एक बार चेक कीजिए। ओके, अगर आप यहाँ पे विंटर सीजन में विजिट कर रहे होंगे तो वहाँ पे होती है हुडा पार्टीज़। ओके सो हुडा पार्टीज़ के थोड़े एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं वो लोग, उनकी तरफ से ही ये अरेंजमेंट होता है। बिफोर हाई टी हुडा पार्टी अरेंजमेंट्स रहती हैं, एंड आफ्टर दैट आपको हाई टी भी दिए जाती है। ओके एंड अगर आप समर में जाओगे तो आपको लंच में पूरन पोई आमरस ये भी खाने को मिलेगा। इसीलिए मुझे मेरी रिट्रीट बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके सो ये जो आपको अभी सामने दिख रहा है इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टावर, और यहाँ से पूरा मिहिर रिट्रीट का व्यू दिखता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे कोई बर्ड स्पॉट है मैंने कभी नहीं देखा, मैं इतनी बार गई हूँ लेकिन मैं इतना नहीं चढ़ पाती, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सो आफ्टर लंच अभी टाइम है मस्त ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, जो कि है इंक्लूडिंग पैकेज, आप जितना चाहे पी सकते हो। ओके, अगर आप बास्केटबॉल लवर हो तो यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल है, इनकी तरफ से बास्केटबॉल मिल जाता है, आप यहाँ पे खेल सकते हो। ओके सो ये जो साइड में आपको बड़ा सा ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे आप क्रिकेट भी खेल सकते हो, ये जो हाउस जैसा दिख रहा है यहाँ पे होता है मैजिक शो, एंड ये लकड़ी का पुल जाता है कोकन कॉर्नर की तरफ, ये है हमारी मोस्ट फेवरेट जगह। मस्त खाना खाने के बाद यहाँ पे आओ, नींद लो, आराम करो, या आपके जो भी गेम्स होंगे, मतलब हम यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा गेम्स भी खेलते हैं और नींद भी लेते हैं। सो मिहिर रिट्रीट के अगर अच्छे अच्छे बातें आपको बताऊँ तो यहाँ पे ना ऐसे जगह जगह पे पूरे मिहिर रिट्रीट में ऐसे बाज लगे हुए आपको दिखेंगे, बेंचेस होते हैं, प्यूरिफाइड वाटर होता है, बहुत जगहों पे रखा हुआ होता है। एंड स्पेसिफिकली दिस कोरोना के माहौल में जब हम गए थे तब हमने नोटिस किया कि जगह जगह पे सैनिटाइजर्स भी रखे हुए थे। अब मैं कहाँ आपको लेके जा रही हूँ, ये है मोस्ट अट्रैक्टिव स्पॉट रेन डांस। सो ऑफ कोर्स कोरोना की वजह से सारी वाटर एक्टिविटीज बंद है, सो रेन डांस के बाद चेंजिंग रूम बहुत नेसेसरी है, तो यहाँ पे एक नहीं दो नहीं काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग रूम्स है, बहुत सारी है। सो मैं आपको सिर्फ एक ओपन करके दिखा रही हूँ, सारी नहीं दिखा सकती। ओके अंदर सिर्फ बाथरूम जैसा है, कमोड वगैरह कुछ अटैच नहीं है। ओके ओके, सिर्फ आपको बाहर से दिखा रही हूँ, इतनी सारी ये सारी चेंजिंग रूम्स हैं, और ये है सूखा पड़ा स्विमिंग पूल, पता नहीं कब चालू होगा। ओके नाउ टाइम फॉर हाई टी। सो हाई टी में था प्याज का पकौड़ा, स्वीट कॉर्न जो उबले हुए थे आपको भेल बनाकर भी दे रहे थे हमें, या तो उबले हुए खाने तो बस ऐसे ही नमकीन स्वीट कॉर्न भी दे रहे थे। ओके इसके साथ थी चाय एंड कॉफ़ी। सो ये था मेहर रिट्रीट, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बोटिंग बाकी है। सो बोटिंग का मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, बोटिंग तो अच्छी है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्डली 2-3 मिनट्स की होती है, लेकिन पानी इतना गंदा था, वैक इतनी गंदी स्मेल आ रही थी पानी से कि मन कर रहा था कि बस उतर जाओ अभी। सो ये था मिहिर रिट्रीट का रिव्यू मेरी तरफ से। मैंने जेन्यून रिव्यू देने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।